हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक चैप्टर है स्केल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो इसको एकदम बेसिक से क्या क्या होता है, स्केल को ड्रॉ कैसे करते, कैसे बनाते, कैसे क्वेश्चन को पढ़ के हम स्केल को बना सकते हैं। ठीक है, तो एकदम इसको आसानी से समझेंगे। ठीक, तो आप शुरू से लेके लास्ट तक इस लेक्चर को देखिए। ठीक है, और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक, तो समझते सबसे पहले स्केल होता क्या है। जैसा सब हम जानते हैं कि स्केल क्या होता है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। नॉर्मली आपके पास कोई सा भी स्केल होता है, जैसे नॉर्मली हमारे पास इस टाइप का एक स्केल होता है। ये स्केल किस काम में आता है, ये स्केल किसी भी चीज़ को नापने के काम में आता है। सर ये सेंटीमीटर वाला स्केल है, तो मैं बोल सकता हूँ जैसे ये पेन है, ये पेन कितने सेंटीमीटर का है। तो इस हिसाब से किसी भी चीज़ को नापने के लिए एक स्केल का यूज़ होता है। ठीक है, नॉर्मली सबके दिमाग में स्केल की है डेफिनेशन। ठीक है, अब स्केल पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि उसके क्या क्या मात्रक होते हैं। ठीक है, उसकी पहले बेसिक प्रॉपर्टी जानते हैं, उस प्रॉपर्टी के बेस पर हम स्केल को ड्रॉ करेंगे। तो एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, सुनना शुरुआत से। सबसे पहले स्केल पढ़ने के लिए आपको मात्रक पता होना चाहिए कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे स्केल से हम क्या नापते, अधिकतर किसी चीज़ की लंबाई को नापते। स्केल से क्या नापते हो, अधिकतर किसी चीज़ की लंबाई को नापते। तो किसी चीज़ की लंबाई को नापने के लिए क्या क्या मात्रक होने चाहिए। जैसे आपने सुना होगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, तो इन सभी चीज़ को हम एक सीरियल वाइज पढ़ते हैं कि कौन कौन से मात्रक होते हैं। ये चार्ट आपके सामने ये दिख रहा है स्क्रीन पर, ये चार्ट एज इट इज़ आप ऐसे का ऐसे याद करिए। क्यों करिए, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ है, ये क्रमागत सीरीज़ है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब हिंदी में क्या होता है, क्रमागत। क्रमागत मतलब मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर आएगा, डेसीमीटर के बाद मीटर आएगा, मीटर के बाद डेकामीटर, डेकामीटर के बाद हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद किलोमीटर आएगा आपका। ठीक है, तो इस चार्ट को एज इट इज आप ऐसे का ऐसे ही याद करिए। ठीक है, कैसे पढ़ोगे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। फिर से पढ़ रहा हूँ, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। क्लियर, ठीक है। अब सर इस चार्ट को आप क्यों बना रहे हो, इसका यूज़ कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल देखो। जैसे मैं यदि आपसे पूछूं कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते, तो आपको बचपन से पता है कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते, 1000 मीटर होते हैं। ठीक, अब इसको इस बाय चार्ट से कैसे बनाते समझो। तो इसके लिए आपको दो पॉइंट याद रखना पड़ेगा। दो पॉइंट क्या है, यदि आप बड़ी मात्रक से छोटे मात्रक में जाते हो, यदि आप बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाओगे तो क्या करोगे आप, गुणा करोगे। क्या करोगे आप, गुणा करोगे। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखोगे कि यदि आप छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर जाओगे, छोटे मात्रक से यदि बड़े मात्रक की ओर जाओगे तो आप क्या करोगे, उसमें भाग लगाओगे। क्या करोगे, उसमें भाग। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रहेगा, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर जाओगे तो गुणा करोगे, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर जाओगे तो क्या लगाओगे, भाग। अब सर बड़ा छोटा मात्रक कैसा है, जैसे ये जो चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में सबसे ऊपर वाला जो मात्रक है वो आपका सबसे छोटा मात्रक है, वो आपसे सबसे छोटा मात्रक है। जैसे जैसे आप नीचे उतरोगे ये बड़ा होता जाएगा, जैसे मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा मीटर, मीटर से बड़ा डेकामीटर, डेकामीटर से बड़ा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से बड़ा किलोमीटर। मतलब अभी इस चार्ट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा मात्रक है आपका किलोमीटर, सबसे बड़ा मात्रक क्या आपका किलोमीटर। तो ये होता है सबसे छोटा मात्रक, ये होता है सबसे बड़ा मात्रक। तो जैसे आप बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर जाओगे तो क्या करोगे, गुणा, और छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर जाओगे तो क्या करोगे, भाग। सर ये समझ में नहीं आया क्या है भाग, अब समझो कैसे। जैसे आपसे बोला कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, तो बड़े से किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, तो आप बोलोगे सर किलोमीटर बड़ा होता है। ठीक, तो किलोमीटर से मीटर जाना, तो बड़े से छोटा जाना, तो बड़े से छोटा जाते तो क्या करते, गुणा करते। किस में गुणा करेंगे, ये जो आगे एक डिजिट कोई सी भी दे के रखे, यहाँ पर एक दे के रखा है, एक की जगह कुछ भी दे के रखे, उसमें गुणा करेंगे, इस एक में गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है बड़े से छोटे मात्रक में जाते तो क्या करते, गुणा करते। ठीक, तो इस एक में गुणा करेंगे। अब किसका गुणा करेंगे देखो, अब उसने बोला किलोमीटर से आपको कहाँ जाना है, मीटर में जाना है, तो किलोमीटर पे खड़े हो जाओ, ये किलोमीटर पे खड़े हो गए, जहाँ पर खड़े हो गए वहाँ पर क्या लगा दो, एक। ठीक है, कहाँ तक जाना है, मीटर तक, दैट इज एक दो तीन, जहाँ तक जाना है वहाँ तक जीरो से जाओ, जहाँ
से बोला वहां पर एक लगा दो और जहां तक जाना वहां तक जीरो लगा दो, ठीक है। तो कितने का अमाउंट बना, 1000 का अमाउंट बना, 1000 का अमाउंट बना, तो इस 1000 का इसमें गुणा कर दो, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में सर 1000 को 10 की घात 3 भी हम लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो इस चार्ट को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। और एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप लोगों को पता है कि 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर की बात करें तो 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, कैसे करेंगे, सेंटीमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग सर सेंटीमीटर बड़ा है, सेंटीमीटर बड़ा है मीटर से, तो सॉरी सेंटीमीटर छोटा है मीटर से, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली यूनिट छोटी है, नीचे वाली यूनिट बड़ी है, तो छोटी से बड़ी जाना है अभी आपको। तो छोटी से बड़े जाने के लिए क्या लगाते, भाग लगाते, क्या लगाते हो, भाग। किस में लगाओगे, इसके आगे जो भी अमाउंट रहे, जैसे इसके आगे उस टाइम क्या था, एक था, तो अभी इसके आगे कितना है, 100, तो 100 में हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। 100 में हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे, देखना आपको सेंटीमीटर से मीटर पे जाना, तो जिस पे जिससे जाना उस पर खड़े हो जाओ, एक लगा के खड़े हो गए, कहाँ तक जाना है, मीटर तक जाना है, तो जीरो से चले जाओ, ठीक है, ये मीटर मीटर तक आ गया, जीरो तक। तो कितने का अमाउंट बना, 100 का अमाउंट बना, तो 100 का इसमें क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया, क्या बचा, एक। तो 100 सेंटीमीटर बराबर आपका हो गया 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर आपका हो गया 1 मीटर। तो इस चार्ट की हेल्प से और इन दोनों रूल के हेल्प से हम किसी भी मात्रक को चेंज कर सकते हैं। इस चार्ट की हेल्प से और किसी भी मात्रक को हम बदल सकते हैं, किसी भी मात्रक को हम एक दूसरे में बदल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपकी स्केल बनाने की पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हो गया आपका स्केल बनाने की पहली प्रॉपर्टी। आई होप आप यूनिट कन्वर्जन सीख गए होंगे, मतलब यूनिट को, मात्रकों को आपस में बदलना सीख गए होंगे। दो चीज़ याद रखोगे, बड़े से छोटे मात्रक में जाओगे तो क्या करोगे, गुणा करोगे, छोटे से बड़े मात्रक में जाओगे तो क्या करोगे, डिवाइड लगाओगे। किस तरीके से गुणा करना, किस तरीके से भाग लगाना, मैंने आपको बता दिया। अभी मैं क्वेश्चन करूँगा तो उससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आरएफ। किसी भी स्केल को बनाने के लिए आरएफ की ज़रूरत पड़ती है। आरएफ मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आरएफ। आरएफ क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक है। देख इसका फॉर्मूला होता है, ड्राइंग पर वस्तु का प्रदर्शित माप, ड्राइंग पर वस्तु का प्रदर्शित माप बटे वस्तु का वास्तविक माप, ड्राइंग पर वस्तु का प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। तो कभी भी कोई सा भी स्केल बनाओगे, जैसे मैं भी आगे बना के दिखाऊंगा, कभी भी कोई सा भी स्केल बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, आरएफ। क्या निकालना पड़ता है, आरएफ। आरएफ को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। अब सर इसका फॉर्मूले में क्या लिखा है, ड्राइंग पर वस्तु का प्रदर्शित माप बटे वस्तु का वास्तविक माप, ठीक है। वस्तु का प्रदर्शित माप और वास्तविक माप क्या होता है समझना, जैसे कोई पुल है, उस पुल के यदि डिज़ाइन को ड्रॉ करना है तो पुल तो बहुत लंबा किलोमीटर का होगा, तो उतने किलोमीटर की आप शीट लोगे क्या, जैसे पुल एक 10 किलोमीटर का है, ठीक है, तो उस 10 किलोमीटर की लंबाई का एक शीट लेके उसको बनाओगे क्या, नहीं, हम तो उसके छोटे से शीट में बना के दिखा देते कि ये सर ये 10 किलोमीटर का पुल है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए अलग माप की जरूरत पड़ती है, जबकि वास्तविक में अलग होती है। जैसे 10 किलोमीटर का वो वास्तविक पुल है, वो पुल की लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर, तो उस 10 किलोमीटर की शीट पर उसको बना के दिखाओगे क्या, नहीं दिखाएंगे, उसके लिए तो हम छोटे से चीज़ में दिखाएंगे। तो उस छोटे से शीट में आपने उस ड्राइंग को जिस माप में दिया है, तो वही वाली चीज़ है, ड्राइंग पर वस्तु का प्रदर्शित माप, ठीक है। उस जो ड्राइंग शीट पर आपने उस पुल को जिस माप से प्रदर्शित करा है, उस शीट पर, उस ड्राइंग शीट पर आपने उस पुल को जिस माप से प्रदर्शित करा है, उसे कहते हैं प्रदर्शित माप, ठीक है। और वास्तविक माप मतलब, वास्तविक मतलब वो वास्तविक में कितने किलोमीटर का है, ओरिजिनल में वो पुल कितने किलोमीटर का, तो ओरिजिनल में वो पुल कितने किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का, ठीक है। तो आप प्रदर्शित माप और वास्तविक माप दोनों में डिफरेंस समझ गए, ठीक है। दो चीज़ होती है, एक होता है प्रदर्शित माप, एक होता है वास्तविक माप। प्रदर्शित माप मतलब आपने ड्राइंग शीट पर उस चीज़ को किस तरीके से प्रदर्शित करा है, आपने ड्राइंग शीट पर उस वस्तु के माप को किस चीज़ से प्रदर्शित करा है, ठीक है। और वास्तव में उस वस्तु की लंबाई आपकी क्या है, ये होता है प्रदर्शित, ये होता है वास्तविक, ठीक है। वास्तविक
आरएफ के हिसाब से स्किल कितने प्रकार के होते हैं वो देखो, आरएफ के हिसाब से स्किल कितने प्रकार के होते हैं वो देखो। एक होता है लघुकरण पैमाना, आरएफ के हिसाब से स्किल बता रहा हूँ, एक होता है लघुकरण पैमाना, दूसरा होता है विस्तारक पैमाना, मतलब लार्ज स्केल, लघुकरण मतलब रेड्यूसिंग स्केल, लघुकरण मतलब इंग्लिश में होता है रेड्यूसिंग स्केल, विस्तारक, विस्तारक मतलब एनलार्जिंग स्केल, विस्तारक पैमाना, ठीक है। और तीसरा होता है पूर्ण पैमाना, तीसरा होता है पूर्ण पैमाना, ठीक है। तो आरएफ के हिसाब से, आरएफ के आधार पर पैमाने कितने टाइप के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है लघुकरण, दूसरा होता है विस्तारक, तीसरा होता है पूर्ण पैमाना। अब लघुकरण पैमाना क्या होता है, विस्तारक पैमाना क्या होता है, पूर्ण पैमाना क्या होता है, ठीक है, इसको हाथों हाथ लिखते जाना मैं जो जो बोल रहा हूँ, ठीक। लघुकरण पैमाना मतलब किसी बड़ी चीज को छोटे में बनाना, किसी बड़ी चीज को छोटे में बनाने के लिए जिस पैमाने का यूज किया जाता है उसे लघुकरण पैमाना कहते हैं। जैसे आपकी एक बिल्डिंग की ड्राइंग है, अब बिल्डिंग कितने फुट लंबी होती है, ठीक है, बिल्डिंग 10 फुट 12 फुट जितनी फुट भी लंबी होती है, तो आप 12 फीट की शीट लेते हो क्या? नहीं लेते, हम तो उसको एक नॉर्मल शीट पे बनाते हैं, ठीक। तो किसी बड़ी चीज को छोटे में बनाना, किसी बड़ी चीज को छोटा करके बनाना उसे कहते हैं लघुकरण पैमाना, लघु मतलब छोटा, ठीक है। तो किसी बड़ी चीज को छोटा करके बनाना क्या होता है, लघुकरण पैमाना, ठीक है। विस्तारक मतलब बड़ा करके बनाना, जैसे एक नट बोल्ट है, नट बोल्ट होता छोटा है लेकिन उसकी कभी ड्राइंग देखोगे तो उसकी ड्राइंग आपको बड़ी दिखती है, उसकी कभी ओरिजिनल ड्राइंग देखोगे तो वो ड्राइंग आपको बड़ी दिखती है। तो विस्तारक मतलब किसी चीज को बड़ा करके बनाना, किसी चीज को बड़ा करके बनाना तो वो क्या होता है, विस्तारक पैमाना, ठीक है। पूर्ण पैमाना, पूर्ण पैमाना मतलब होता है जैसे का तैसा, क्या होता है, जैसे का तैसा, मतलब ये जैसे स्केल को यदि ड्रॉ करना है तो स्केल की लेंथ नॉर्मल लेंथ है तो आप इसको एज इट इज ड्रॉ कर सकते हो। पूर्ण पैमाना मतलब जैसे का तैसा, जैसे का तैसा मतलब जैसे यदि मैं आपको ये स्केल ड्रॉ करने बोलूँ तो स्केल की साइज क्या है, नॉर्मल साइज है, तो इसको आप एज इट इज ड्रॉ कर सकते हो। जैसे 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो 15 सेंटीमीटर आप एज इट इज ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो जिस चीज को ना तो बड़ा करके बनाया ना तो छोटा करके बनाया, जैसे का तैसा बनाया, तो उसे क्या कहेंगे आप, पूर्ण पैमाना, उसे आप क्या कहेंगे, पूर्ण पैमाना। पॉइंट क्लियर हो गया। लघुकरण पैमाना मतलब जब बड़ी चीज को छोटा करके बनाते तो लघुकरण पैमाने का यूज करते, जब छोटी चीज को बड़ा करके बनाते तो उसमें विस्तारक पैमाने का यूज करते, जब चीज को एज इट इज जैसे का तैसा बनाते तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण पैमाना, ठीक है। और पूर्ण पैमाने में आरएफ का मान कितना होता है, आरएफ की वैल्यू होती है 1, पूर्ण पैमाने में आरएफ की वैल्यू कितनी होती है, 1। और इसमें लघुकरण पैमाने में आरएफ की वैल्यू होती है, लघुकरण पैमाने में आरएफ की वैल्यू 1 से छोटी होती है, लघुकरण पैमाने में आरएफ की वैल्यू 1 से छोटी होती है, और विस्तारक पैमाने में आरएफ की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ठीक है। आरएफ के आधार पर यदि आरएफ बराबर बने उसका मतलब वो पूर्ण पैमाना है, यदि आरएफ की वैल्यू 1 से छोटी है तो वो लघुकरण पैमाना है, यदि आरएफ की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो विस्तारक पैमाना है। यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखें, इसके आगे देखिए आपको कौन कौन से पैमाना बनाना सीखना है वो देखिए। सबसे पहले यदि बनाने के आधार पर, जैसे डिजाइन के आधार पर देखा जाए तो कितने टाइप के पैमाने बनते हैं, एक बनता है साधारण पैमाना, दूसरा बनता है विकर्ण पैमाना, तीसरा बनता है वर्नियर पैमाना, ठीक है। साधारण मतलब नॉर्मल स्केल, विकर्ण मतलब डायगोनल स्केल, ठीक है, और वर्नियर मतलब, वर्नियर स्केल आपने देखा है ना, तो वर्नियर स्केल वाला पैमाना, वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर को इंग्लिश में भी वर्नियर कहते हैं, ठीक। अब सर इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, साधारण पैमाना क्या होता है, वर्नियर पैमाना क्या होता है, सॉरी विकर्ण पैमाना क्या होता है, वर्नियर पैमाना क्या होता है। जब दो क्रमागत मात्रा को यदि नापना हो, जब दो क्रमागत मात्रा, क्रमागत मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक मतलब देखो इस चार्ट को मैंने बताया था कि मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर आता है, डेसी के बाद मीटर आता है, मीटर के बाद डेकामीटर, डेकामीटर के बाद हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर के बाद किलोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद क्या आता है आपका, किलोमीटर। तो जब दो क्रमागत को नापना है, जब दो क्रमागत को नापना है, दो क्रमागत मात्रकों को नापना है तो आप साधारण पैमाना बनाओगे, ठीक है। दो क्रमागत मतलब जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर हो गया, मीटर डेकामीटर हो गया, हेक्टोमीटर किलोमीटर हो गया, डेसीमीटर और मीटर हो गया, डेसीमीटर और मीटर हो गया। तो जब दो क्रमागत, क्रमागत मतलब एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव यूनिट को नापना है तो आप साधारण पैमाना बनाओगे। जब तीन क्रमागत
मात्रक को नापना है, जब तीन क्रमागत मात्रक को नापना है तब आप विकर्ण पैमाना बनाओगे। जब तीन क्रमागत मात्रक को नापना है तब आप विकर्ण पैमाना बनाओगे, ठीक है। और वर्नियर को मैं जब पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि वर्नियर आप कब बनाओगे, किस केस में। उस केस में आपको अलग से बता बोल ही देगा कि आप इस पर वर्नियर पैमाना बनाइए, ठीक है। उस केस में आपको अलग से बोल ही देगा कि आप वर्नियर पैमाना बनाइए। जब इसका क्वेश्चन करूंगा तब मैं आपको उसको समझा दूंगा कि वर्नियर पैमाना कैसे बनता है। अभी बस आप दो चीज़ें याद रखो कि साधारण पैमाना कब बनाओगे, जब दो क्रमागत मात्रक दे के रखें, और विकर्ण पैमाना जब दो क्रमागत मात्रकों को नापना हो तो साधारण पैमाना बनाते, जब तीन क्रमागत मात्रकों को नापना हो तो विकर्ण पैमाना बनाते हैं। यहाँ तक गाड़ी क्लियर हो गई, ठीक है। इसके आगे सुनो कि स्केल बनाते टाइम हमको क्या क्या चीज़ निकालने पड़ती है, स्केल बनाते टाइम हमको क्या क्या चीज़ निकालने। तो स्केल बनाते टाइम सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है आरएफ, क्या निकालना पड़ता है आरएफ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आपको निकालना पड़ता है एलओएस, लेंथ ऑफ स्केल, क्या बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ स्केल। सबसे पहले कोई सा भी स्केल हो, चाहे साधारण पैमाना हो या विकर्ण पैमाना हो, कोई सा भी स्केल हो, सबसे पहले आप ये दो चीज़ें निकालोगे, ठीक है। दो चीज़ें कौन कौन सी है, आरएफ, आरएफ का फॉर्मूला मैं पिछले थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि ड्राइंग पर वस्तु का प्रदर्शित मान बटे वास्तविक मान होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है आरएफ इंटू अधिकतम दूरी, आरएफ इंटू अधिकतम दूरी, आरएफ इंटू अधिकतम दूरी। अब ये अधिकतम दूरी क्या है, ये अधिकतम दूरी आपको क्वेश्चन में देके रखेगा, आपको बोलेगा कि ये स्केल अधिक से अधिक इतना नाप सके, ये स्केल अधिक से अधिक इतना नाप सके। ये इंग्लिश में लिखा आता है मेजर अप टू, तो मतलब इतना लंबाई तक अधिक से अधिक वो क्या कर सके, मेजर कर सके, ठीक है। तो कोई सा भी स्केल हो, सबसे पहले आप दो चीज़ें निकालोगे, एक तो आरएफ निकालोगे, दूसरा लेंथ ऑफ स्केल निकालोगे, ठीक है। आरएफ का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, और लेंथ ऑफ स्केल मतलब आरएफ इंटू अधिकतम दूरी, आरएफ इंटू अधिकतम दूरी। तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको इससे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक विकर्ण एक साधारण पैमाने की रचना कीजिए जो अधिक से अधिक 8 मीटर नाप सके, तथा इस पैमाने का 2 सेंटीमीटर, इस पैमाने का 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करता है, 6 मीटर 8 डेसीमीटर की माप को पैमाने पर प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो आपको उसने पहले ही क्लियर कर दिया कि कौन सा पैमाना बनाना है आपको, साधारण पैमाना, कौन सा पैमाना बनाना है आपको, साधारण पैमाना, ठीक है। साधारण पैमाना कब बनाते हैं, जब दो क्रमागत मात्रकों को आपको नापना हो। दो क्रमागत मात्रक देखो, इसने बोला मीटर और डेसीमीटर, मीटर और डेसीमीटर, तो मीटर के बाद सॉरी डेसीमीटर के बाद मीटर आता है, तो दो क्रमागत हो गए। तो जब भी दो क्रमागत मात्रकों को नापना है तो आप कौन सा पैमाना बनाओगे, साधारण पैमाना, ठीक है। एक चार्ट फिर से मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टो और किलोमीटर, ठीक है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये चार्ट हमेशा याद रखें, ठीक है। तो अब कभी भी इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं कैसे बनाओगे इस स्केल को। कभी भी मैंने बोला था कि स्केल बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखते हो आप, आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल निकालते, क्या निकालते सबसे पहले, आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल, तो आरएफ, ठीक है। तो एक बार पेज पलटा के देखो कि आरएफ बराबर क्या होता है, आरएफ बराबर होता है ड्राइंग पर वस्तु का प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप, मतलब वास्तविक में वस्तु कितने की है और उसको ड्राइंग पर कितने से प्रदर्शित किया गया। तो देखो उसने लाइन स्पष्ट लिखा है कि इस पैमाने का 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करता है, 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करता है, मतलब वस्तु वास्तविक में 1 मीटर की है, वस्तु वास्तविक में 1 मीटर की है, लेकिन लेकिन वह 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की गई है। इसमें लिखा है ना स्पष्ट, इस पैमाने का 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करता है, मतलब वो वस्तु वास्तविक में 1 मीटर की है, लेकिन उसको ड्राइंग पर 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। तो प्रदर्शित ऊपर आरएफ बराबर होता है प्रदर्शित मान बटे वास्तविक मान, तो प्रदर्शित मान कितना हो गया, प्रदर्शित मान हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, और वास्तविक मान कितना हो गया 1 मीटर, वास्तविक माप कितना हो गया 1 मीटर, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि इन दोनों का मात्रक हमेशा समान होना चाहिए, आरएफ निकालोगे तो इन दोनों का मात्रक हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। या तो पूरे को आप मीटर बना दो, या पूरे को आप सेंटीमीटर बना दो, या पूरे को आप मीटर बना दो, पूरे को आप सेंटीमीटर बना दो। तो मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलता हूँ,
है, इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदलता हूँ। तो जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप अच्छे से बता पाओगे 1 मीटर में सर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, यदि नहीं निकालना आए तो इस चार्ट के आधार पर आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कैसे होते हैं, देखना मीटर से सेंटीमीटर में जाना, तो मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे मीटर बड़ा होता है, तो बड़े से छोटे पे जाना तो क्या करते, गुणा करते। किसका गुणा करोगे, इस एक में गुणा करोगे। किसका गुणा करोगे, देखना मीटर पे खड़े हो गए, ये मीटर पे खड़े हो गए, मीटर से कहाँ जाना है सेंटीमीटर पर, ये गए हम सेंटीमीटर पर, तो कितना अमाउंट बना, 100 का अमाउंट बना। कितना अमाउंट बना, 100 का, इसमें कितने का गुणा करोगे, 100 का गुणा करोगे तो कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, 2 सेंटीमीटर ऐसा का ऐसा, और 1 मीटर की जगह कितना लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने इस पूरे को काय में बदल लिया सेंटीमीटर में, ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। फिर से बता रहा हूँ, इन दोनों का मात्रक आप समान करोगे, RF में इन दोनों का मात्रक आप समान करोगे, चाहे कुछ भी आ जाए, डेसीमीटर आ जाए, डेकामीटर आ जाए, किलोमीटर आ जाए, आप सबको एक ही मात्रक में लाओगे। ठीक है, उसके बाद सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 2 एक कम हो 2 5 10, तो आपका RF कितना आया, 1/50। आपका RF कितना आ गया, 1/50। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। RF निकालने के बाद आप क्या निकालते हो, लेंथ ऑफ स्केल। RF निकालने के बाद आप क्या निकालते हो, लेंथ ऑफ स्केल। दो चीज़ें बोली थी, सबसे पहले RF निकालोगे, उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल आपको कितना दे के रखा है, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है RF इंटू अधिकतम माप, देखना पीछे पलटा के क्या होता है, RF इंटू अधिकतम माप। तो RF कितना है आपका, 1/50। अधिकतम माप मैंने बोला था क्वेश्चन में आपको दे के रखेगा कि अधिक से अधिक कितना नाप सके, तो देखो दे के रखा है, जो स्केल अधिक से अधिक 8 मीटर नाप सके, जो स्केल अधिक से अधिक कितना नाप सके, 8 मीटर नाप सके। ठीक है, तो अधिकतम माप कितना हो गया, 8 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लेंथ ऑफ स्केल को हमेशा काय में निकालना सेंटीमीटर में, लेंथ ऑफ स्केल को हमेशा काय में निकालना सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि आप जिस स्केल से ड्राइंग बनाओगे, वो स्केल सेंटीमीटर में नापता है, वो स्केल काय में नापता है, सेंटीमीटर में नापता है। तो हमेशा लेंथ ऑफ स्केल को आप काय में निकालोगे, सेंटीमीटर में निकालोगे। क्लियर हो गया। तो इस मीटर को आप काय में बदलोगे, सेंटीमीटर में, यहाँ मीटर की जगह कुछ भी आ जाए तो आप उसको काय में बदलोगे हमेशा सेंटीमीटर में। तो लेंथ ऑफ स्केल हमेशा काय में निकलेगा आपका, सेंटीमीटर में। तो फिर से 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो सबसे पहले देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 8 मीटर में कितने होंगे, 800। तो 1/50 इंटू, यदि इसको सेंटीमीटर में लिखो तो कितना लिखूंगा, 800 सेंटीमीटर। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट दो, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 6 30, तो कितना आ गया ये, 16 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। मतलब आपका लेंथ ऑफ स्केल कितना है, 16 सेंटीमीटर, और उसका RF कितना है, 1/50। RF कितना है, 1/50। यहाँ तक गाड़ी क्लियर हुई। ठीक है, अब करते हैं ड्राइंग, कि ड्राइंग कैसे बनता है इसका। तो सबसे पहले जितना लेंथ ऑफ स्केल हो उतनी लंबी लाइन खींचो, सबसे पहले जितना लेंथ ऑफ स्केल हो उतनी लंबी आप इसकी लाइन खींचो। तो कितना लेंथ ऑफ स्केल है, 16 सेंटीमीटर। कितना लेंथ ऑफ स्केल है, 16 सेंटीमीटर। तो आप 16 सेंटीमीटर की क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे। कैसे खींचोगे देखना, ये पूरी स्केल 15 सेंटीमीटर की है, ये मैंने 16 सेंटीमीटर की एक लाइन की थी, इस लाइन की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर की लंबाई है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप। कोई सा भी स्केल आ जाए, सबसे पहले लेंथ ऑफ स्केल जितना आया उतनी लंबी एक क्या करोगे, लाइन खींचोगे। तो 16 सेंटीमीटर की आपकी एक लाइन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखना, इस लाइन को अपने को डिवाइड करना पड़ता है, इस लाइन को हमको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड मतलब उसको टुकड़ों में बांटना पड़ता है। तो कितने टुकड़ों में बांटे, तो उसने जितना अधिकतम माप बोला उतने टुकड़ों में बांट दो, जितना अधिकतम माप बोला उतने टुकड़ों में इस लाइन को बांट दो। फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप जितना लेंथ ऑफ स्केल बोला उतनी लंबी लाइन खींच दी। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को उतने टुकड़ों में बांट दो जितना उसने अधिकतम माप बोला, जितना उसने अधिकतम माप बोला। तो अधिकतम माप कितना बोला उसने, 8। अधिकतम माप कितना बोला उसने, 8। ठीक है, तो इस लाइन को कितने भागों में बांट दो, 8 भागों में। कैसे बांटोगे देखना,
इस लाइन को बांटने के लिए यहाँ पर कोई सी भी एक लाइन खींच दो, कोई से भी एंगल पे एक लाइन खींच दो, लाइन को बांटना सिखा रहा हूँ कैसे करके बांटते समझना, इसके एंगल में कोई सी भी एक लाइन खींच दो, ठीक है। प्रकार लो, प्रकार में कोई सी भी एक दूरी ले लो, ठीक है, प्रकार में कोई सी भी एक दूरी ले लो और इसके 8 टुकड़े कर दो, 8 कट लगा दो, ठीक है। इस लाइन को मैंने 8 बराबर भागों में बांट दिया, कैसे बांटा, इसके एंगल में कोई सी भी एक लाइन खींची, इसके कोण में कोई सी भी एक लाइन खींची, प्रकार पर एक निश्चित दूरी तय करी, प्रकार पर एक कोई सी भी दूरी तय कर लो अपने हिसाब से और इसमें 8 बार चाप काट दो, 8 बार क्या कर दो, चाप काट दो, यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद क्या करना, ये जो सबसे लास्ट वाला चाप रहता है, ये सबसे लास्ट वाला चाप रहता है, इसको इस लास्ट वाले बिंदु से मिला दो, जो लास्ट वाला चाप है उस लास्ट वाले बिंदु से उसको मिला दो, ठीक है। अब उसके बाद आप रोलर स्केल की सहायता से इसको बनाना, रोलर स्केल की सहायता से कैसे बनाओगे, रोलर स्केल सबको पता है क्या होता है, इससे इसको यहाँ पर रोलर स्केल फिक्स करना, इसको धीरे से आगे बढ़ाओगे, इस पॉइंट पर आया, तो सीधे सीधे मत मिला देना, रोलर स्केल की सहायता से धीरे धीरे इसको आगे लेके जाना फिर मिलाना, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद एक एक सेंटीमीटर का इसमें डब्बा बना दो, एक सेंटीमीटर का एक डब्बा, एक या दो सेंटीमीटर का एक डब्बा बना दो इसमें, मतलब 2 सेंटीमीटर हाइट का क्या बना दो, एक डब्बा बना दो, ठीक है। अब इन पॉइंटों को ऊपर मिला दो, जैसे ये कट वाला पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को ऊपर तक मिला दो, हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक बनाने के बाद इसके बाद करते हैं इसकी नंबरिंग, क्या करते हैं इसकी नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग हमेशा 0 से करोगे, नंबरिंग किससे करोगे, हमेशा 0 से, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये हो गया आपकी नंबरिंग, ठीक। उसके बाद आप लिखोगे इसको काय में नापना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या नापने बोला इसने, आपको नापने बोला इसने 6 मीटर और 8 डेसीमीटर, 6 मीटर और 8 डेसीमीटर नापने बोला। तो अब बताओ मुझे, मीटर बड़ा होता है कि डेसीमीटर बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो सबसे पहले जो बड़ी यूनिट है उसको यहाँ पर लिख दो, जैसे आपने यहाँ तक कर दिया, उसके बाद नंबरिंग कर दी, नंबरिंग करने के बाद आपको एक तो मीटर का स्केल बनाना पड़ेगा, डेसीमीटर का स्केल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप बड़ी वाली स्केल बनाते हो, तो दोनों में बड़ी क्या है, मीटर, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, मीटर, कैपिटल अक्षर में लिखोगे,
मीटर, ठीक है, कैपिटल अक्षर में आपने मीटर लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपकी मीटर वाली स्केल बन गई, मतलब आप यहाँ से 6 मीटर तक नाप सकते हो, ठीक। अब उसके बाद बनता है 8 डेसीमीटर वाली स्केल कैसे बनाओगे। अच्छा, ये पूरा भाग क्या है? मीटर का है। ये पूरा स्केल काय का है? मीटर का है। तो ये एक भाग कितने का है? ये एक भाग कितने का? 1 मीटर का है ना, क्योंकि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मतलब हर एक भाग कितने मीटर का है? 1 मीटर का है। हर एक भाग कितने मीटर का? 1 मीटर का है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते, यदि आपसे पूछूं 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते, तो आप क्या बताओगे? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। दो क्रमागत चीज के बीच हमेशा 10 का डिफरेंस होता है। दो क्रमागत चीज के बीच हमेशा 10 का डिफरेंस होता है। देख कैसे बता रहा हूँ, समझना। जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते, ठीक है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। मतलब दो क्रमागत चीज के बीच 10-10 का क्या होता है? डिफरेंस होता है। दो क्रमागत चीज के बीच 10-10 का डिफरेंस। जैसे इसको समझो, ये स्केल काय में है, ये स्केल आपका सेंटीमीटर की स्केल है, ये स्केल आपका काय में सेंटीमीटर की स्केल है। तो सेंटीमीटर के जस्ट बाद वाली यूनिट क्या है? मीटर। सेंटीमीटर के जस्ट बाद वाली यूनिट क्या है? mm, मिलीमीटर। तो मतलब ये पूरी स्केल तो सेंटीमीटर की, लेकिन जब इसमें छोटी छोटी लाइन दिखती है आपको, वो कौन सी वाली लाइन होती है? मिलीमीटर की लाइन होती है। वो कौन सी लाइन होती है? मिलीमीटर। तो आपको पता है कि ये 1 सेंटीमीटर के बीच में कितनी लाइन होती है? 10 लाइन होती है। 10 लाइन क्यों होती है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते? 10 mm होते। इसलिए इसके बीच में कितनी लाइन होती है? 10 छोटी छोटी लाइनें होती है, ठीक। तो सेम इसी अप्रोच से हम ये वाले स्केल बनाएंगे। तो देखना, आपने मीटर की स्केल बना दी, अब आपको डेसीमीटर की स्केल बनाना है। तो सबसे पहले मीटर और डेसीमीटर के बीच में रिलेशन पता करो, क्या संबंध होता है मीटर और डेसीमीटर के बीच में। संबंध पता करो कि सर, जैसे ये वाला स्केल है, ये वाला स्केल है, ये वाला स्केल मीटर, सॉरी सेंटीमीटर और एमएम का है। तो सबसे पहले सेंटीमीटर और एमएम के बीच में संबंध पता करो। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, सॉरी मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में संबंध पता करो। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए इसके बीच में कितने भागे? 10 भागे। तो सेम इसी तरीके से मीटर और डेसीमीटर के बीच में संबंध पता करना है। तो मीटर और डेसीमीटर दो क्रमागत है, तो दो क्रमागत के बीच में हमेशा कितने का ड्यूरेशन होता है? 10 का। तो मतलब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो मैं यदि ये हर एक पार्ट 1-1 मीटर का, ये हर एक पार्ट 1-1 मीटर का, यदि हर एक पार्ट 1-1 मीटर का, यदि मैं एक पार्ट के 10 भाग कर दूँ, यदि एक पार्ट के 10 भाग कर दूं, तो हर एक भाग 1 डेसीमीटर का कहलाएगा, क्योंकि ये एक भाग कितने मीटर का है? 1 मीटर का है। तो यदि 1 मीटर के यदि मैं 10 भाग कर दूं, तो एक भाग 1 डेसीमीटर का कहलाएगा, ठीक है। तो उससे मेरी डेसीमीटर की स्केल बन जाएगी। तो मैं पहले वाले भाग को 10 बराबर भागों में बांटूंगा। क्यों बांटूंगा? क्योंकि मेरा 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर है, क्योंकि मेरा 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर है। देखो बांटने का तरीका वही है। फिर से एक कोई सी भी एंगल पे लाइन खींचो, ठीक है। अब इस लाइन को 10 बराबर भागों में बांट दो। एक, दो, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ये 10 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। उसके बाद देखना हमने क्या करा था। इस लास्ट वाले भाग को, ये पहला वाला देखना, इस लास्ट वाले भाग को इस लास्ट से मिलाया था। तो अब देखो आपको ये वाला लास्ट है, क्योंकि आपको इतने से टुकड़े के 10 भाग करना है। तो इस लास्ट वाले चाप को इस पॉइंट से मिला दो। ये लास्ट वाले चाप को अपन ने इस पॉइंट से मिला दिया। क्यों मिलाया? क्योंकि हमको इतने से टुकड़े को बांटना है, और
पिछले वाले केस में अपने को इतने बड़े टुकड़े को बांटना था, तो ये वाला लास्ट पॉइंट था, तो इस लास्ट चाप को इस लास्ट पॉइंट से मिलाया। इस केस में लास्ट पॉइंट क्या है, जीरो है, तो इस जीरो को यहाँ से मिला दिया, इस लास्ट चाप को जीरो से मिला दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद रोलर स्केल को इस पर रखकर इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाओगे, तो हर एक पॉइंट पर जो आएगा उससे एक समांतर रेखा खींचोगे। हो गया 10 बराबर भाग। उसके बाद आती है नंबरिंग की बारी। उसके बाद क्या आती है, नंबरिंग की बारी। तो ये वाला पॉइंट देखना, यहाँ पर नंबरिंग करोगे तो बहुत हौश पोश हो जाएगा, ठीक है, मतलब इतनी सी जगह पे नंबरिंग करोगे तो बहुत हौश पोश हो जाएगा, इसलिए नंबरिंग हम यहीं पर करते। ये वाली लाइन कितने की है, जीरो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो आप नंबरिंग कहाँ पर करोगे, आप नंबरिंग इस पर करोगे, क्योंकि यहाँ पर करने से ज़्यादा हौच पोछ जाएगा। यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ। उसके बाद देखना, ये पूरा डब्बा आपने 2 सेंटीमीटर का बनाया था, तो इस पर 1 सेंटीमीटर पर एक लाइन खींच दो। ये 1 सेंटीमीटर पर एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये जितने भी पॉइंट आए, इन सारे पॉइंटों को इस लाइन पे मिला दो। जैसे ये यहाँ पर जितने पॉइंट आए थे, सब पॉइंट को मैंने ऊपर मिलाया था, तो सेम इसी तरीके से इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आए उसको इस सेकेंड वाले लाइन से मिला दो, ठीक है, बाय स्केल से। मिला दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्केल कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया आपका स्केल कंप्लीट। अब देखना, आपने यहाँ पर मीटर लिखा, ठीक है, क्योंकि आपने दोनों में बड़ी स्केल क्या मीटर, उसके बाद आपने क्या बनाया, डेसीमीटर। तो यहाँ पर ये जो स्केल बनाया आपने, ये जो इतना सा स्केल बनाया, ये स्केल कौन सा है, डेसीमीटर का। यहाँ पर आप लिखोगे डेसीमीटर, क्या लिखोगे आप, डेसीमीटर, इसके नीचे सिंपल सी लाइन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो आपको नापना क्या है, आपको नापना है 6 मीटर और 8 डेसीमीटर, 6 मीटर और 8 डेसीमीटर। कैसे नापोगे समझना, मीटर वाला इसके लिए, तो मीटर में 6 ये रहा, तो 6 वाली लाइन को ऊपर बढ़ा दो, 6 वाली लाइन को आप क्या कर दो, हल्का सा ऊपर बढ़ा दो, ठीक है। तो ये 6 मीटर आपने माप लिया। उसके बाद आपको कितना नापना है, 8 डेसीमीटर। 8 डेसीमीटर कैसे नापोगे, ये डेसीमीटर वाली स्केल है, तो ये 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 4 5 6 7 8, ये 8 डेसीमीटर है। ये 8 डेसीमीटर वाली लाइन यहाँ पर आई, देखना ये 8 डेसीमीटर वाला चाप है, ये चाप यहाँ पर आके मिला और ये वाली लाइन ये रही, ठीक है। इस लाइन को मैं ऊपर मिलाऊंगा, ये 8 डेसीमीटर की जो लाइन है उसको मैं ऊपर ले गया, ठीक है। तो ये जो दूरी मिली आपको, ये जो दो लाइन के बीच में दूरी है, ये दूरी है आपकी, इसको इस तरीके से मिला दो, ठीक है। ये जो आपकी दूरी आई, वो दूरी क्या है, वो दूरी है आपकी 6 मीटर और 8 डेसीमीटर, 6 मीटर और 8 डेसीमीटर। ये जो कंप्लीट दूरी है, ये वो आपकी किसकी दूरी है, ये है आपकी डेसीमीटर की, ये आपकी पूरी 6 मीटर 8 डेसीमीटर की दूरी आपको प्रदर्शित करके दिखाएगा। ये आपका कंप्लीट स्केल है। जब पूरा स्केल बन जाए उसके बाद लास्ट में हमेशा लिखा करो यहाँ पर RF। इस स्केल का RF कितना निकाला था आपने, 1/50। इस स्केल का RF 1/50 और लेंथ ऑफ स्केल कितना है, इसका लेंथ ऑफ स्केल है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट स्केल इस तरीके से बनाओगे। क्लियर हो गया, पूरा क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे, RF और इसका लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए कि इसमें क्या क्या अप्रोच लगाई मैंने, ठीक है। और एक बार इसको खुद अकेले बिना देखे ड्रॉ करके देखिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 1/40 निरूपक भिन्न का साधारण पैमाना बनाइए जो मीटर या डेसीमीटर को प्रदर्शित करे तथा इतना बड़ा हो कि 8 मीटर तक की दूरी नाप सके। तो इस पैमाने पर 4 मीटर और 7 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। 4 मीटर और 7 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि इसको मीटर साधारण पैमाना है कि विकर्ण पैमाना बनाना है। आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, साधारण पैमाना बनाए कि विकर्ण पैमाना बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि सर जब 2 क्रमागत मात्रकों को नापते हैं तो साधारण पैमाना बनाते हैं, जब 3 क्रमागत को नापेंगे तो विकर्ण पैमाना बनाओगे। तो देखना उसने किसको नापने बोला, मीटर और डेसीमीटर। मीटर और डेसीमीटर मतलब 2 क्रमागत है, तो 2 क्रमागत है मतलब आपको कौन सा पैमाना बनाना है, साधारण पैमाना बनाना है। कौन सा पैमाना बनाना है, साधारण पैमाना बनाना है। अब निरूपक भिन्न का मतलब क्या होता है सर, निरूपक भिन्न का मतलब होता है RF, ठीक है। निरूपक भिन्न का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं उसको, निरूपक भिन्न, और इंग्लिश में कहते हैं उसको RF, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। क्या कहते हैं उसको, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या RF। तो आपको RF अब डायरेक्ट दे के रखा है 1/40, आपको RF अब डायरेक्ट दे के रखा है 1/40। तो सबसे पहले आप स्केल बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, RF। तो RF अब कितना दे के रखा है, 1/40। RF कितना दे के रखा है, 1/40। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते हो, लेंथ ऑफ स्केल से निकालते हैं RF इंटू अधिकतम माप, RF इंटू अधिकतम माप। तो RF कितना दे के रखा है, 1/40, और अधिकतम माप मतलब देखो उसने लिख के रखा है पैमाना इतना बड़ा हो कि 8 मीटर तक की दूरी नाप सके। अब इतना बड़ा हो मतलब अधिकतम 8 मीटर तक की दूरी नाप सके, मतलब अधिकतम माप कितना दे के रखा उसने, 8 मीटर, ठीक है। ये मीटर है, तो मैंने क्या बोला था हमेशा कि लेंथ ऑफ स्केल हमेशा सेंटीमीटर में निकालना, लेंथ ऑफ स्केल हमेशा कायम में निकालना, सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि आप जिस स्केल से ड्राइंग करते हो वो स्केल हमेशा सेंटीमीटर में पड़ता है, वो स्केल हमेशा कायम से पड़ता है सेंटीमीटर में, इसलिए लेंथ ऑफ स्केल को हमेशा आप कायम में बनाओगे सेंटीमीटर में। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो 8 मीटर में जस्ट पहले मैंने बताया था कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर होगा। तो 1/40 इंटू 800 सेंटीमीटर, जब इसको काटा पीटी करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटोगे तो कितना आ गया, 20। तो कितना लेंथ ऑफ स्केल आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो आपका लेंथ ऑफ स्केल कितना आया, 20 सेंटीमीटर, और आपका RF कितना है, 1/40, 1/40। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हो, इसके बाद आप ये करते हो कि जितनी आपका लेंथ ऑफ स्केल आता है, जितना आपका लेंथ ऑफ स्केल आता है उतनी लंबी आप लाइन खींचते हो। तो आपका लेंथ ऑफ स्केल कितना आया, 20। तो आप 20 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो, तो आप 20 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो, मेरे साथ ही साथ बनाते जाना आप यदि वीडियो को देख रहे हो तो। ये स्केल 15 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले 15 की खींची मैंने, 15 के बाद फिर 5 सेंटीमीटर और खींचा, तो ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर की लाइन, ये हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर की लाइन। अब इस उसके बाद क्या करते हो, इस लाइन के टुकड़े करने पड़ते, इस लाइन को डिवाइड करने पड़ते। इस लाइन को कितने भागों में डिवाइड करोगे, जितना अधिकतम माप दे के रखे। बात समझना, फर्स्ट स्टेप जितना लेंथ ऑफ स्केल बोलो उतनी लंबी लाइन खींच दो, उसके बाद इस लाइन को डिवाइड करना है। इस लाइन को किस बेस पर डिवाइड करोगे, जितना आपको अधिकतम माप दे के रखे। तो अधिकतम माप कितना दे के रखा है, 8 मीटर, अधिकतम माप कितना दे के रखा है, 8 मीटर। तो इस लाइन के आप कितने टुकड़े करोगे, 8 टुकड़े करोगे। टुकड़े कैसे करते सर, सिंपल है। इस लाइन के एंगल में आप एक लाइन खींच दोगे, इस लाइन के एंगल में आप एक लाइन खींच दोगे, और इस लाइन के आप 8 टुकड़े, 8 चाप काट दोगे। कितने चाप काट दोगे, 8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ जिससे आपको पूरा कंप्लीट दिख जाए, दिख रहा है, ठीक। देखिए कितने टुकड़े करने, 8, 1, 2, 3, 4, 5, या 6, 7,
ये फाइनल हो गया। ठीक है, कितने चाप काट दिए इसने? 8 चाप काट दिए। अब क्या करते थे, इस लास्ट चाप को इस लास्ट पॉइंट से मिलाते थे, जिस लाइन को बांट रहे थे उस लास्ट पॉइंट को इस लास्ट चाप से मिला दो। इस लास्ट पॉइंट को सर हमने इस लास्ट चाप से ये सिंपली तरीके से मिला दिया। इसके बाद क्या करते थे, रोलर हेल्प की सहायता से इसके पैरेलल लाइन खींचते थे जो इन पॉइंटों से होके जाए। पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखा। तो आपको रोलर स्केल चलाना मैंने बताया था, तो देखना ये मैंने रोलर स्केल को यहाँ पर रखा। ये रोलर स्केल नहीं है, इमेजिन करो इसको जब आप धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ाओगे तो जैसे इस पॉइंट पर आया, जैसे इस पॉइंट पर आया, स्केल को हिलाना मत, ये एक लाइन, फिर स्केल को पीछे बढ़ाया, हो गया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद क्या करते, नंबरिंग करते। नंबरिंग कहाँ से चालू करते, नंबरिंग हमेशा जीरो से चालू करते। सर ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 6, 7। अब आपको मापना कितना है, तो अब आपको मापने के लिए बोला उसने 4 मीटर और 7 सेंटीमीटर। 4 मीटर और 7 सेंटीमीटर, तो मीटर और सेंटीमीटर में क्या बड़ा हो, तो आप बोलोगे मीटर बड़ा, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मीटर। कैपिटल अक्षर में क्या लिखोगे, मीटर। ठीक है, तो ये आपका मीटर वाला स्केल बन गया। ये आपका कौन सा वाला स्केल बन गया, मीटर वाला स्केल बन गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या प्रदर्शित करना है, सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या प्रदर्शित करना है, सेंटीमीटर। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ सेंटीमीटर नहीं, यहाँ डेसीमीटर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्रमागत नापना है, तो मीटर के बाद क्रमागत वाली यूनिट कौन सी आती है, डेसीमीटर आती है। ठीक है, तो लिखने में थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर क्या कर लो आप, डेसीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में भी क्या कर लोगे, 4 मीटर और 7 डेसीमीटर, 4 मीटर और 7 डेसीमीटर। ठीक है, क्योंकि दो क्रमागत नापना है, तो आपको देखो शुरू में ही बोला था उसने मीटर और डेसीमीटर में नापना है, तो दो क्रमागत नापना है, तो मीटर और सेंटीमीटर दो क्रमागत नहीं है। मीटर और डेसीमीटर में आप नाप सकते हो, मीटर और सेंटीमीटर को आप डायरेक्ट नहीं नाप सकते। ठीक है, वो तीन क्रमागत हो जाएंगे, तो तीन क्रमागत वाला भी सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये डेसीमीटर होगा। ठीक है, तो अब देखो 4 मीटर और 7 डेसीमीटर है, तो आपने मीटर वाली स्केल बना ली, अब आपको कौन सी स्केल बनाना है, डेसीमीटर वाली। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या करते, इसमें एक 2 सेंटीमीटर का डब्बा बनाते, बॉक्स बनाते। ये 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स सिंपल तरीके से आप बना लो, ये 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स को आप बंद कर दो। ठीक है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाए, थोड़ा बॉक्स यहाँ तक हो गया क्लियर। फिर इन पॉइंटों को आप ऊपर मिला देते हो, इन पॉइंटों को आप क्या करते हो, ऊपर मिला देते हो। यहाँ तक हो गया क्लियर। ठीक है, उसके बाद आपको मीटर के स्केल बना दिया, फिर आपको डेसीमीटर का स्केल बनाना। तो मैंने ये बताया था कि दोनों के बीच में सबसे पहले क्या पता करो, रिलेशन पता करो कि मीटर और डेसीमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आपको मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 मीटर में सर 10 डेसीमीटर होते, 1 मीटर में सर 10 डेसीमीटर होते। और आप ध्यान से देखोगे कि ये पर्टिकुलर भाग 1-1 मीटर का है, ये पर्टिकुलर भाग 1-1 मीटर का। यदि एक भाग के मैं 10 टुकड़े कर दूँ, एक भाग 1 मीटर का, यदि इस भाग के मैं 10 टुकड़े कर दूँ, तो एक भाग 1 डेसीमीटर का कहलाएगा, एक भाग 1 डेसीमीटर का कहलाएगा। तो उस बेसिस पर मैं इस पहले वाले टुकड़े, इस पहले वाले भाग के कितने टुकड़े करूँगा, 10 टुकड़े करूँगा। कैसे करूँगा, देखिए वही वाला करने का तरीका वही है। इस पर कोई से भी एंगल पर एक लाइन खींच दो और इस लाइन को 10 बराबर चाप काट दो, इस लाइन पर 10 बराबर चाप काट दो। ठीक है, बाय प्रकार की है, 1, 2, 3,
इस लाइन पे मैंने 10 चाप काट दिए। अब जिस लाइन, जिस टुकड़े को आपको डिवाइड करना है उसका लास्ट पॉइंट और इस लास्ट चाप को मिला दो, उसका लास्ट पॉइंट उस लास्ट चाप को मिला दो। ये रहा उसका लास्ट पॉइंट और इस लास्ट चाप को मैंने आपस में मिला दिया, ठीक। फिर रोलर स्केल की सहायता से फिर वही पैरेलल लाइन खींचना है समांतर, तो रोलर स्केल को इस पर सेट करा, इसको धीरे धीरे आप पीछे लाओगे तो ये वाले चाप पर आया, तो इस चाप से एक पैरेलल लाइन, फिर इसको पीछे करा, इस चाप पर आया, इस चाप से एक फिर पैरेलल लाइन, ठीक है। इस हर एक चाप से मैंने एक एक पैरेलल लाइन खींच दिया। उसके बाद क्या करते हो आप, इस पे 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हो, 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हो, तो 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। नंबरिंग की बारी, नंबरिंग कैसे करते हैं हम, नंबरिंग हम यहाँ पर करते हैं क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो हॉश पोश हो जाएगा, तो 0 ये वाला पॉइंट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट वाला पॉइंट क्या, 10, ठीक है। ये मीटर है तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, डेसी मीटर, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, डेसी मीटर, ये डेसी मीटर वाला इसको लिखोगे, ठीक है। अब नापते, अब हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। क्या क्या मेज़र करना है आपको, आपको करना है 4 मीटर, तो ये हो गया 4, ये मीटर वाली स्केल है पूरी, तो मीटर में 4 नापा, ये 4 वाली लाइन को हम हल्की से ऊपर कर देते, ये 4 वाली लाइन को हमने हल्की से ऊपर कर दी। उसके बाद क्या नापना है आपको, 7 डेसीमीटर, ठीक है, 7 डेसीमीटर, तो डेसीमीटर वाली इसके लिए रही, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ये 7 वाला पॉइंट ये रहा, ये 7 वाला पॉइंट जाके यहाँ पर मिला। देखिए इस लाइन को आपको यहाँ पर भी मिलाना है ना, इस पॉइंट को आपको यहाँ पर भी मिलाना है इस तरीके से, 1 4 5 6 7 8 9 10 वाला, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये 7 वाला पॉइंट ये रहा, ये 7 वाला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, तो इस लाइन को मैं ऊपर ले जाता हूँ, इस लाइन को, 7 वाली लाइन को मैं ये ऊपर ले गया, ठीक है। तो ये बीच में मैंने इन दोनों लाइन के बीच में लाइन खींच दी, तो ये जो लाइन है वो कितने चीज़ को प्रदर्शित करेगा, ये जो आपने लाइन बनाई ये लाइन किसको प्रदर्शित करेगा, ये लाइन प्रदर्शित करेगा 4 मीटर और 7 डेसीमीटर को, 4 मीटर और 7 डेसीमीटर को, आया समझ में। पूरा स्केल बनने के बाद आप लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में लिखोगे RF, इसका RF कितना है, 1/40, और इसके नीचे क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल कितना है इसका, 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ स्केल कितना है, 20 सेंटीमीटर। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे कि साधारण पैमाना कैसे बनता है, साधारण स्केल कैसे बनता है। तो इस वीडियो को यदि समझ में नहीं आए तो एक दो बार रिवाइंड करके फिर देखिए, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको मैंने पूरा बेसिक से लेके पढ़ाया है। तो पहले आप बेसिक पढ़िए, उसके बाद इसको बिना देखे आप खुद ड्रॉ करके देखिए, जहाँ पर भी दिक्कत आए आप बाय कमेंट मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ओके, थैंक यू।